एक साधक का पूरा काम यही है कि वह अनावश्यक, संसारिक और तुच्छ चीजों से ऊपर उठे। हम इन्हीं अनावश्यक बातों में उलझे रहते हैं, उस क्षण में वह बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं, और अगले ही पल ऐसा प्रतीत होता है मानो वह हुई ना। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमेशा आश्चर्यचकित होते हैं, वही चीजें जो इतना महत्वपूर्ण लगती थी अब पूरी तरह निरर्थक लगती है, और हम उन्हीं चीजों के लिए मरने मारने को तैयार थे, बस किसी के द्वारा कही गई कोई अपमानजनक बात और हमारा मन उस पर असंतुलित रूप से केंद्रित हो जाता है, मारने या मरने को तत्पर हो जाता है। कुछ मिनटों बाद जब स्थिति शांत हो जाती है तो वह इतना मूर्खतापूर्ण लगता है उसके बारे में बात करना भी, यहां तक कि ये कहना भी कि मैं इससे इतना परेशान हो गया था, बेवकूफी लगती है। लेकिन हमारे लगभग 99% जीवन ऐसी ही चीजों से भरा होता है, इसलिए ये एक बर्बादी है। हमें बहुत सचेत और जागरूक होना होगा, हमें अपने आप को ईश्वर के लिए बचाना होगा। यदि हम समुद्र तट पर सिर्फ पत्थर इकट्ठा करने में अपनी ऊर्जा खो देते हैं तो खजाने तक पहुंचने तक हमारे पास कोई ऊर्जा नहीं बचेगी। जब कोई खजाना नहीं होता तब हम भिखारी रहते हैं, और जब सम्राट बनने की हर संभावना होती है तब भी हम भिखारी ही रहेंगे। हमें बहुत सजग रहना होगा कि हम अपनी ऊर्जा के साथ क्या कर रहे हैं, उसे कहां लगा रहे हैं, क्योंकि एक बार चली गई तो वह हमेशा के लिए चली जाती है, और जो समय बीत रहा है वह वापस नहीं आएगा, कुछ भी फिर से हासिल नहीं किया जा सकता। एक बार ये जागरूकता बैठ जाती है तो एक बड़ा अंतर आ जाता है। जरा सोचो, अगर तुम कल मरने वाले हो तो कितनी चीजें महत्वपूर्ण होंगी और कितनी चीजें महत्वहीन होंगी, ये तुम्हारे पूरे दृष्टिकोण को बदल देगी। बस एक पल पहले तुम एक नया घर बनाने, एक नया रिश्ता शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, मन में हजार तरह की योजनाएं थी, सब इधर उधर भाग रही थी। जिस क्षण तुम जागरूक होते हो कि कल तुम मरने वाले हो, वे सारे विचार बस गायब हो जाते हैं, वे अप्रासंगिक हो जाते हैं, कुछ और जिसके बारे में तुम नहीं सोच रहे थे प्रासंगिक हो जाता है। मृत्यु क्या है? क्या मैं इसका सामना करने के लिए तैयार? क्या मैंने कुछ किया है ताकि मैं इसमें मौन प्रेम से एक तरह के स्वागत के साथ प्रवेश कर सकूं? क्या मैं अपने सृष्टिकर्ता का सामना करने के लिए तैयार? कुछ नया महत्वपूर्ण हो जाता है, कुछ ऐसा जो चेतना में बिल्कुल नहीं है, सतह पर आ जाता है और केंद्रित हो जाता है। वह सब जो चेतना में था और वह सारी इच्छाएं जो तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए चिल्ला रही थी अब प्रासंगिक नहीं है, वह बस बाजार का शोर है। और यही बात है, कल अनिश्चित है, कल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मृत्यु हमेशा कल का इंतजार कर रही है। केवल एक चीज के बारे में हम निश्चित नहीं हो सकते हैं और वह है मृत्यु, बाकी सब अनिश्चित है। साधक बनने का अर्थ है चीजों को उनके सही परिपेक्ष में रखना, संतुलन लाना, प्राथमिकताओं को सही करना। प्रणाम।